हिजाब के बारे में बात करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत जिस हिसाब से बेहद गर्म नजर आ रही है उसमें हिजाब विवाद भी एक अहम स्थान रख रहा है। यूपी के सियासी रण में हिजाब विवाद को लेकर एक बड़ी खबर है। हिजाब पर ओवैसी का नया जुमला, हिजाब पहनने से दिमाग खुल जाता है, सामने आया है। ओवैसी हिजाब विवाद पर अखिलेश की चुप्पी पर भड़के हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश के लोगों के दिमाग को बीमार बना दिया है और ध्रुवीकरण तुष्टिकरण की राजनीति ने इस बीमारी को और ज्यादा ही सड़ा दिया है। और यूपी चुनाव में अपनी पतंग उड़ाने आई लैला मुस्लिमों के सामने इस विवाद को मिर्च मसाला लगाकर पेश कर रही है ताकि मुस्लिमों का वोट बटे, मुस्लिम डरे और उसके पाले में चले जाए। जहां मिलता है हमें ज्ञान, उस मंदिर को भी वोट के ठेकेदारों ने नहीं छोड़ा। और जब चुनाव हो और भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी जैसा रहनुमा और पैरोकार हो तो भला राजनीति कैसे ना हो। अब भड़काऊ भाईजान ने सिर पर टोपी और हिजाब पहनने से दिमाग खुलने का दावा किया है। हिजाब विवाद अब अहम की लड़ाई बन गई है। मामला कोर्ट में है लेकिन यूपी में तो वोट है, इसलिए ओवैसी इसे मुद्दा बनाए बैठे हैं। लेकिन अब ओवैसी और हिजाब विवाद का खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और यूपी के सीएम योगी बाबा ने भी दो टुक कह दिया है कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं, और समय आएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून भी बनेगा। जब अवसर आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, लेकिन फिलहाल संविधान से देश चल रहा है और संविधान से ही चलेगा सभी। आपके नड्डा और मोदी जी के रैली में तो आप ही तो बुरखा पहना कर लाकर बिठाते हैं, तालिबानियों को बिठाते हैं क्या आप बताइए? और मोदी जी कह रहे हैं कि हमको तो वोट मिला पहले चरण दूसरे चरण मुस्लिम महिलाओं का, तो वो क्या पहने हुए थे? वो ऐसे जितने हमलावर बीजेपी पर नहीं है उससे ज्यादा तीखे सवाल अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं। हिजाब विवाद पर बबुआ के खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल का एक ही जवाब है कि वो ऐसे इस मुद्दे को यूपी चुनाव में जिंदा रखकर अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक में सेधमारी की कोशिश में जुटे हैं ताकि यूपी में AIMIM के पतंग उड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ से जी मीडिया रिपोर्टर जब्बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जब्बार, एक तो उत्तर प्रदेश की सियासत में वैसे ही गर्मी देखी जा रही है, ऊपर से हिजाब विवाद बार बार उत्पन्न हो रहा है, और क्या ओवैसी इसको जानबूझकर हवा देते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान जहां पर लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो चुकी है, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी दक्षिण भारत के बाद में, बिहार और महाराष्ट्र के बाद में, उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व को बनाने के लिए या अपने एग्जिस्टेंस को दर्शाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है, एक तरफ जहाँ पर इस बात को लेकर के मामला उठाया जा रहा है कि जो महिलाएं बुरखे में आए या चेहरा ढक करके आए, चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि चुनाव में मतदान डालते समय उनकी शनाख्त हो सके। मगर उसी के काउंटर में असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना कि हिजाब पहनने से, टोपी पहनने से दिमाग खुलता है महिलाओं के लिए, वो कहते हैं कि तमाम मुस्लिम महिलाएं बुरखा पहन करके मतदान करने के लिए जाएं। क्या जो मोदी और योगी की रैलियों में महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जाती हैं बुरखा पहन करके, क्या अफगानिस्तानी है? तो जाहिर तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को यह पता है कि हिजाब के मुद्दे को जितनी हवा देंगे, उस आग में जितनी घी असदुद्दीन ओवैसी डालने का काम करेंगे, उतना ही ज्यादा वो मुस्लिम समुदाय के अंदर, मुस्लिम वोटर्स के अंदर एक तरीके से उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ने की कवायद शुरू होगी, उतनी ही ज्यादा उनके लिए चांसेस हैं मुस्लिम मतदान को अपनी तरफ खींचने के लिए, कम से कम सोचने पर वो मजबूर कर सके उनको। हालांकि उनको ये पता है कि फिलहाल मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा उनकी तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ उस रास्ते पर बढ़े, सोचे कम से कम, असदुद्दीन ओवैसी को एक बेहतर विकल्प के तौर पर माने, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी उन तमाम तिकड़म को करते हुए नजर आ रहे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना कि
टोपी लगाने से दिमाग खुल जाता है, हिजाब पहनने से दिमाग खुलता है। आपके पास संजय चौधरी जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, संजय चौधरी से बात करेंगे। स्वागत है आपका संजय चौधरी जी। संजय चौधरी जी, क्या आपको लगता है बार बार हिजाब को लेकर जो विवाद हो रहा है, ये अलग अलग स्टेटमेंट्स ओबीसी की तरफ से दी जा रही हैं जानबूझकर वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए, या फिर उत्तर प्रदेश का माहौल और गर्म करने के लिए दी जा रही है? जी निश्चित रूप से, उत्तर प्रदेश जैसे बीते 4.5 साल में दंगों से मुक्त रहा है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में खुशहाली है, सरकार से संतुष्ट है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति भय दिखाकर इस प्रकार की ओबीसी और समाजवादी पार्टी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये देश की स्थापित परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। जैसे हिजाब पहनने की बात करते हैं तो हमारा कानून कहता है कि जो चुनाव आयोग परमिशन देता है कि जिसमें फोटो लगी है, फोटो का मिलान होता है, उसी के आधार पर वोट देने के लिए जाने की बात कही जाती है। तो देश की परंपराओं की, नियमों की, कानूनों की उल्लंघन करने की बात कहकर ओबीसी साहब और उनकी सहयोगी, उनको साथ देने वाली समाजवादी पार्टी देश के संविधान की, परंपराओं की, नियमों की, कानून की अनदेखी करके मुस्लिम समाज को डराने की कोशिश और अपने पक्ष में कोशिश करने की बात करती है, लेकिन वो कामयाब होने वाले नहीं। संजय जी, सीएम योगी भी 80-20 की लड़ाई की बात करते हैं कि ये चुनाव 80-20 का है, तो क्या इसको वाकई में 80-20 का बनाने की कोशिश की जा रही है? उत्तर प्रदेश के चुनाव को एक ऐसे चुनाव के तौर पर देखा जा रहा है जहां पर ये वाकई में धरातल पर 80-20 है? नहीं, 80-20 नहीं, अब तो ये 90-10 है। उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है और समाजवादी पार्टी की साइकिल उड़कर जिस प्रकार से सैफई में जाकर खड़ी हो गई है, खुद अखिलेश जी के पिता जिनको उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पद से हटा दिया था, अब उनकी दुहाई देकर उनकी इज्जत की पगड़ी को करहल की चौखट पर जाकर रख दिया है, उनकी हालत इस प्रकार के है कि खुद अखिलेश का जीतना मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई 80-20 की नहीं 90-10 की हो गई है। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ खड़ी हो गई है और जो विपरीत विचारधारा के विपक्ष के दल हैं वो सिमटते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है इनकी हताशा, इनकी निराशा और बढ़ रही है। इस प्रकार के वक्तव्यों को देकर अपने बचे खुचे वोट बैंक को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता एकदम जाग गई है, जनता चुनाव लड़ रही है, भाजपा के पक्ष में खड़ी है और ऐसे बयानों का कोई फायदा होने वाला नहीं। क्या आपको लगता है ओवैसी जिस तरीके से एक के बाद एक भड़काऊ बयान दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं मुस्लिमों को लेकर या फिर हिजाब को लेकर, ये जो एक विशेष वर्ग का वोट बैंक है वो पूरी तरीके से उनकी तरफ जाएगा इससे? नहीं, निश्चित रूप से वो कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों का वोट किसी तरह से उनके पास आ जाए, क्योंकि इस चुनाव में जिन्ना की बात करके ओवैसी को आगे आने की छूट और केवल समाजवादी पार्टी के लोगों ने दी है। संजय जी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अजरा मुनीम जी भी जुड़ चुकी हैं, उनसे भी बात करेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है अजरा जी आपका। अजरा जी, हिजाब को लेकर आखिर इतना बयान और इतने विवाद क्यों, क्या कुछ कहेंगी? पहले मैं आपका रिएक्शन, आपकी स्टेटमेंट जरूर जानना चाहूंगी। जिस तरीके से हिजाब को लेकर ओवैसी साहब की तरफ से एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, मुझे भी बहुत ताज्जुब होता है कि आखिर इतना इसको तूल क्यों दिया जा रहा है। भाई, हिजाब को लेकर के एक इंस्टीट्यूशन का मैटर आया, अब इसको एक मुझे लगता है कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह गया है, अब इस पे लोग राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी खुद कहते हैं सर पर हिजाब है तो दिमाग खुलेगा, क्या वाकई में ऐसा कुछ है? ओवैसी साहब किस बेसिस पे इस तरीके से बेतुका बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जहां तक हिजाब का मैटर है तो जिसकी मर्जी है वो हिजाब लगाए, जिसकी मर्जी नहीं है वो ना लगाए, किसी को किसी चीज में जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता है। लेकिन अगर हिजाब लगाने की हमारी मर्जी है तो बिल्कुल हमें लगाना चाहिए, और इस्लाम में हिजाब को मेंशन किया गया है कि सर को ढक के रखें,
देखिए अगर कहीं पूजा भी होती है तो वहां भी महिलाओं को सर पे आंचल डाल लिया जाए, आंचल डाल लेती है वो महिलाएं, तो इससे लगता है कि हिजाब हुआ या सर पर साड़ी का आंचल हुआ या कुछ भी। आप गुरुद्वारे देखिए वहां भी लोग जाते हैं तो सर पे चाहे मतलब मेल पर्सन हो या फीमेल हो वो भी सर ढक लेते हैं। तो फिर इसको इतना तूल क्यों दिया जा रहा है जिस तरीके से अजरा जी आप भी कह रही है कि ये तो सर ढकना हुआ, हम घूंघट से भी ढकते हैं, हम ओढ़नी से भी ढकते हैं, हम हिजाब से भी ढक रहे हैं, हर धर्म में अपना अपना तरीका है, तो फिर इसको एक चुनावी मुद्दा और चुनावी तूल क्यों दिया जा रहा है, क्यों जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है? सिर्फ राजनीतिकरण है ये। और आप देखिए जिस तरीके से हर मजहब के लोग अच्छी जगह मतलब एक होली प्लेस पर जा रहे हैं या पूजा करने बैठते हैं तो वहां भी तो सर ढकना, तो इसका मतलब सर ढकना एक अच्छी बात है। अजरा जी हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता आसिम जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। आसिम जी स्वागत है आपका। आसिम जी मुझे सिर्फ सीधा सीधा एक बात बता दीजिए, ओवैसी साहब हिजाब को लेकर क्यों इतने भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एक के बाद एक स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, क्या आप लोगों की तरफ से इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई उन्होंने भड़काऊ बात की। अब आपको किस बात पे आप भड़क रही है मुझे नहीं पता। वो तो ये कह रहे हैं कि एक शुरफा अंदाज में शरीफों की तरह से अच्छी एक परंपरा कायम करते हुए सर ढक कर हिजाब लगा के जाइए, अगर आपको बुरा लग रहा है तो बीजेपी वालों को बुरा लग रहा है तो आप लोग मिलकर कंगना रनौत से अपील कर दीजिएगी, वो भी कर देगी। सर कंगना रनौत कहां से इसमें बीच में आ गई आसिम जी? वो बीजेपी की मतलब समर्थक है ना, वो बीजेपी की नेता है, वो आप लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा आपको पता है, आपको बताया उन्होंने आके? ना आप लोग पसंद करते हैं उनको, तो मैंने कहा कि आप लोग अपील कर दीजिए। मैंने तो कंगना रनौत जी को इस पैनल में इनवाइट किया ही नहीं है। जी जी तो मैं नहीं, मैंने कर वो तो इस पैनल में है ही नहीं। मैं तो प्रश्न आपसे कर रही हूँ, मैं ओवैसी साहब को लेकर प्रश्न कर रही हूँ, आप कहीं और जा रहे हैं अपनी बात को लेकर। मैं ये पूछना चाहती हूँ ये कौन सा जुमला है कि सर पर हिजाब है तो दिमाग खुलेगा? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मैंने अपील कर दी, हमारे नेता ने अपील कर दी, अब आप लोग को बुरा लग रहा है, आप कंगना रनौत से अपील करा दीजिए। बुरा नहीं लग रहा, कितना जाए बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मतलब समझ नहीं आया। अच्छा चलिए मुझे इस जुमले का, मुझे इस जुमले का मतलब बता दीजिए आसिम जी। चलिए मुझे इस जुमले का आप मतलब बता दीजिए, मीनिंग समझा दीजिए। मैडम वैसी साहब चाहते हैं कि एक सुरफा अंदाज में शरीफों की तरह से एक अच्छी परंपरा कायम करते हुए महिलाएं जाए, मुस्लिम महिलाएं, आपको बुरा लग रहा है आप? सर हमें क्यों बुरा लगेगा, हम तो सवाल कर रहे हैं ना, सवाल पूछना हमारा अधिकार है। संजय चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आसिम जी आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। संजय चौधरी जी अगर आपको इस जुमले का मतलब समझ आ रहा है तो आप ही समझा दीजिए, या फिर असीम साहब और अच्छे तरीके से समझा दें। देखिए असीम साहब के साथ प्रॉब्लम ये है कि कभी तो ये ओबीसी के पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी जिसमें रहे हैं उसके अंश इनके अंदर प्रफुल्लित हो जाते हैं, तो इनके बयानों को बहुत गंभीरता से न ले। वैसे भी ओबीसी साहब का यहाँ कोई भी नुमाइंदा विधानसभा की चौखट पर अभी तक चढ़ नहीं पाया है। ये केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह करना चाहते हैं, उन्हें बरगलाना चाहते हैं, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ऐसे ही लोगों के कारण हिंदुस्तान का मुसलमान अभी तक गरीब है, अशिक्षित है, पिछड़ा है और विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है। ऐसे ही लोग उसे वास्तव में विकास की बात नहीं करते, उनकी शिक्षा की बात नहीं करते, उनके रोजगार की बात नहीं करते, उनकी बेहतरी की बात नहीं करते, वो छोटे छोटे मुद्दों में हिंदुओं का डर दिखाकर मुसलमानों को बरगलाते हैं। बताइए आसिम जी क्या भड़काने की कोशिश हो रही है जिस तरीके से संजय चौधरी जी भी कह रहे हैं, क्या जवाब देंगे, क्या गुमराह किया जा रहा है, क्या भड़काने की कोशिश हो रही है? नहीं, मैं तो संजय चौधरी जी से कह रहा हूँ, संजय चौधरी जी आ गए जाति बात पर, मैं संजय चौधरी जी से कह रहा हूँ कि कौन सी गलत बात कह दी आपको, हिजाब से प्रॉब्लम हो रही है, आप नहीं चाहते, आप अपने जो कंगना रनौत है उसकी तरह अपील कर दीजिएगी, उसकी तरह कपड़ा पहन जाए, मुझे आप क्या प्रॉब्लम है आपको? फैन लग रहे हैं पक्के वाले। हाँ मैंने कहा ना आप करिए, अपील कीजिए, अपील कीजिए। फैन लग रहे हैं, लगता है कोई मूवी नहीं मिस करते होंगे। नहीं मतलब आप भी पहनिए। परंपरा कायम कीजिए, एक अच्छी एक बुरी, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए, हम लोग को जो अच्छा लगता है वो हम लोग करें।
अजरा जी, आसिम जी कह रहे हैं जिसको जो अच्छा लगे वो करे, जाहिर सी बात है जिसको जो अच्छा लगे वो करे, लेकिन क्या आपको महसूस नहीं होता इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है या फिर लोगों को भड़काया जा रहा है? और ये जो जुमले अलग अलग निकाल कर ले आते हैं ओवैसी साहब, इन जुमलों का मतलब भी तो होना चाहिए ना। देखिए, आर्टिकल 21 हमको इस बात की इजाजत भी देता है कि हम क्या पहने, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करता है। तो और इस तरीके के हिजाब को लेकर के अगर बहस हो रही है या कोई जींस पहन के निकलता है, फटी जींस जो पहन के लोग निकलते हैं उस पर भी लोग, उनको फ्रीडम है ना। जो लोग कट जींस पहन के निकलती हैं तो उनको फ्रीडम है, जो लोग एकदम मतलब बहुत छोटे कपड़े पहन के निकलते हैं उनको फ्रीडम है। तो मुझे नहीं लगता है कि आखिर ये हिजाब को लेकर के इतना इशू क्यों क्रिएट किया जा रहा है भाई। हाँ, अगर किसी कपड़े में अश्लीलता दिख रही है तो वहां पर एतराज किया जा सकता है कि भाई सोसाइटी पर इसका गलत असर। अजरा जी, पहनने में दिक्कत नहीं है, मैं फिर से अपनी बात क्लियर कर दूं, हम पहनने में कुछ नहीं कह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या चुनावों को देखते हुए जानबूझ के इस तरह के बयान देकर भड़काने की कोशिश की जा रही है? ओवैसी साहब ने कहा क्या है एक बार वो मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगी, आप तीनों भी जरा ध्यान से सुनेगा, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। सुनिए ओवैसी साहब ने दरअसल कहा क्या। मैं उन मां और बहनों से बड़ी अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जब आप 20 तारीख को जाएंगे मतदान करने के लिए, अगर आप हिजाब और निकाब पहनते तो फखर के साथ पहनकर जाइए। जो मासूम बच्ची, मेरी बेटी मेरी आवाज को सुन रही है, मैं उससे कहूंगा कि तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। संजय चौधरी जी, आपने शिकायत भी की थी, यानी कि पार्टी की तरफ से शिकायत भी की गई थी चुनाव आयोग से कि हिजाब में मतदान करने के लिए ना आए, फर्जी मतदान हो सकता है, यह तमाम चीजें जो बीते समय पे मामला सामने भी आया था, तो अब क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, मैं तो जो दोनों जो मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं अपनी बात कह रहे हैं उसमें दो बातें हैं। देखिए, अर्जी और मर्जी एक साथ नहीं चल सकती। अगर आप चुनाव आयोग का पत्र बनवाते हैं, पहचान पत्र बनवाते हैं और उसमें आप मुंह खोल के अपनी फोटो प्रकाशित कराते हैं, आपको वो आई कार्ड मिलता है, लेकिन चुनाव में जब आप अंदर जाएंगे तो हिजाब पहन कर जाएंगे, आप आंखें मूंद कर जाएंगे, बुर्का पहन कर जाएंगे, तो ये अर्जी और मर्जी एक साथ कैसे चल सकती है? ठीक, अजरा जी, आपका रिएक्शन करनी है, नमाज पढ़नी है, घर में पढ़िए। अजरा जी, फटाफट आपका भी रिएक्शन इसी मुद्दे पर। चौधरी साहब, आप पहले इसको कायदे से इस चीज को समझ लें कि बुर्का क्या है और हिजाब क्या है। हिजाब जो होता है वो हेड कवर किया जाता है, उसमें आपको फेस पूरा दिखता है, और जब आप इलेक्शन अंदर वोट डालने जाते हैं तो वहां पर जो महिला कर्मी होती है बिल्कुल उसको राइट है, क्योंकि वो फेस कवर है, तो वहां पर फटाफट से लास्ट रिएक्शन इसी मुद्दे आप पर। उसको आइडेंटिटी कर सकते हैं कि ये संदिग्ध है या कैसा है। चलिए, जुड़ने के लिए और आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हिजाब विवाद एक बार फिर से उत्पन्न हो रहा है और बार बार भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए या फिर माहौल को और गर्म बनाने के लिए बार बार ओवैसी चुनावी मैदान में इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन क्या इससे वाकई में वो वोट बैंक इकट्ठा कर पाएंगे जो वोट बैंक की चाहत लिए वो बैठे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी जड़ें जमाने के लिए, ये देखना होगा। वक्त एक ब्रेक।